नोटबंदी को एक साल पूरा हो चुका है और इस एक साल के अंदर तस्वीर पूरी तरह से बदली है। बाजार ने 21% यानी कि 21 तोपों की सलामी दी है इस नोटबंदी को। और ये नए नोट अब आपके हाथों में, आपके बैंक के खातों में, आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में, हर जगह पहुंच चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आप नए नोट देखना चाहते हैं तो मेरी पूरी टीम इस नए नोट के साथ उतरी है और ये आपके सामने सारे नए नोट है। मैं आज 50 के शेयर के साथ बातचीत करूंगा। मेरी सहयोगी जो है साक्षी, वो आपको 200 का एक नोट दिखाएंगी और 200 से जुड़े हुए जितने भी शेयर्स आपको बताएंगी। साथ ही मेरे साथ अनीशा भी हैं, वो आपको 500 का नोट दिखा रही हैं और 500 से जुड़े हुए शेयर्स आपको बताएंगी। और मेरे सहयोगी संदीप के पास सबसे बड़ा नोट है, 2000 रुपए का नोट, वो 2000 के नए नोट के साथ आपको इस शेयर्स बताएंगे। तो तैयार हो जाइए, नए नोट के दर्शन कीजिए। इसी नए नोट के दर्शन के साथ साथ आप उन शेयरों का भी मजा लीजिए। कुछ लोग सिर्फ स्क्रीन को डेकोरेट करके शेयर बता रहे हैं, नए नोट तो ये हैं बॉस, नए नोट ये हैं, 50, 200, 500, 2000 के नए नोट ये हैं। अब मेरे पास क्योंकि 50 का नोट है, मैं शुरुआत आज सभी वो शेयर्स करके बता रहा हूं जो कि 50 रुपए से कम कीमत पे हैं। आपको आज आसानी से शेयर मिल जाएंगे, इन सबकी कीमत 50 रुपए से कम है। पहला शेयर होगा उगार शुगर। ये एक शुगर की कंपनी तो है, लेकिन ध्यान रखिए ये ब्रांडी भी बनाती है, ये रम भी बनाती है। सर्दियां आ गई हैं, डॉक्टर से पूछ के पीजिएगा, ठीक है। तो उगार शुगर ना केवल शुगर की कंपनी बल्कि ये रम और ब्रांडी बनाने वाली कंपनी भी है। इनके लिए एक सीजनल चेंज होता है ये, इसका फायदा इसको जरूर मिलेगा। 29 रुपए का इसका सर्किट है, यही हमने आज का टारगेट रखा इस नोटबंदी वाले दिन कि आपको जोरदार फायदा मिलेगा। 24 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइएगा। अभी शेयर करीब 6% ऊपर है, उम्मीद है कि आज ये सर्किट लगा देगा। तो उगार शुगर, तो शुगर और दूसरा ये ब्रांडी जो बना रही है, इसका बेनिफिट भी इसको मिलेगा। दूसरा शेयर है मेरी तरफ से, ये भी 50 रुपए से कम का है क्योंकि मेरे पास जो नोट है वो 50 रुपए का है। और जो दूसरा शेयर है मेरी तरफ से वो है JVL एग्रो, क्योंकि ये सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। एग्रो बेस्ड जितनी भी कंपनीज हैं उन सबके अंदर काफी जान है, काफी दम है। ये मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर रहा है और कई दिनों के अच्छे बेस के बाद अभी चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके अंदर 68% की कैश डिलीवरी है। किसी शेयर के अंदर कैश डिलीवरी अगर 60% से ज्यादा हो वो बेहतर माना जाता है। छोटा शेयर है लेकिन अच्छा चलेगा। आज रिस्पॉन्सिबिलिटी 50 से कम शेयरों की थी, ये दो शेयर मेरे पूरे हुए। 25 रुपए का टारगेट इसमें आप रखे, 21 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो मेरे दो शेयर आज के पूरे हुए। साक्षी, 200 का नोट आपके पास है? एब्सोल्युटली। और अगर आपके पास भी ये 200 का नोट है तो दो शेयर्स आप नोट कर लीजिए जो कि आप आज खरीद सकते हैं। डेटामैटिक्स आज का मेरा पहला शेयर होगा। आईटी शेयरों में जबरदस्त मोमेंटम हम देख भी रहे हैं, जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन का एक साल पूरा हुआ, इन कंपनियों को जिन्होंने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए खासतौर पर बैंक्स को, तो उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। रिजल्ट्स भी आने वाले हैं कंपनी के, तो फंडामेंटल तौर पर भी इस शेयर को चुना गया है। सीक्वेंशियल आधार पर बेहतर नतीजे आ सकते हैं, डेट फ्री कंपनी है और यहां पर आप टारगेट रख सकते हैं 126 रुपए का, 116.50 का आप यहां पर स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। अगला शेयर मेरा इंफ्रा स्पेस है और ये मैंने PNC इंफ्रा को चुना है क्योंकि इंफ्रा शेयर में भी लगातार मोमेंटम है। आपने पहले भी सुना है फास्ट मनी में कि लगातार हम आपको कह रहे हैं सरकार का फोकस है इंफ्रा स्पेंडिंग को लेकर और पूरे सेक्टर को सुधार को लेकर। ये शेयर भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है और ये भी 200 रुपए से नीचे का है, यानी कि 206 के टारगेट्स के लिए आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। 196.80 का एक स्टॉप लॉस आप यहां पर लगा। 500 के नोट की बारी है, 50 का काम पूरा हो गया, 200 का काम पूरा हो गया, 500 के शेयर्स। चलिए, मेरे पास ऐसे शेयर हैं जो आप 500 रुपए से के कम में से ले सकते हैं। पहला मेरा स्टॉक है HSI हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर, यहाँ टारगेट 472 का रख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि सेरेमिक शेयर्स में अच्छा मूव देखा जा रहा है। GST काउंसिल की बैठक होने वाली है और ये कंपनी अभी कंज्यूमर गुड्स पे भी उतर गई है, तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा कंजम्पशन थीम से। फिर दूसरा मेरा जो स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स का। उनके जो कमर्शियल व्हीकल सेल्स फिगर्स आए थे पिछले महीने के, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। हमने चार्ट्स पे भी देखा है एक अच्छा ब्रेकआउट आया, थोड़ी कंसोलिडेशन हो रही है पर ये फिर भी ऊपर जा सकता है। आप टारगेट 465 का रख सकते हैं। ठीक है, 500 के शेयर्स भी आपको मिल गए। आप संदीप के पास चलते हैं जिनके पास इस समय सबसे बड़ा नोट है, 2000 के नोट। दर्शन कराइए 2000 के नोट के और बताइए शेयर्स भी। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने मुझे दे दी, इतना बड़ा नोट, सबसे बड़ा नोट मुझे दे दिया आपने, आपके पास होना चाहिए था। मेरे पास 50 का है, सबसे छोटा चलने वाला नोट है। मैं चाह रहा था कि 50 का नोट मुझे मिल जाए, लेकिन आपने 2000 का नोट मुझे दिया, मुझे
समझा पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, मैं ऐसे स्टॉक बनाने की कोशिश करूंगा जो बड़े तो हैं लेकिन बड़े रिटर्न भी दे पाए। फिनलेक्स केबल्स एक पहला स्टॉक है जिस पे आप नजर रखिए। देखिए आज नतीजों का इंपैक्ट, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जब मैंने इसे आइडेंटिफाई किया था ना, 6-7% के आसपास गिरावट थी, वहां से ऑलरेडी ये स्टॉक रिकवर कर चुका है। और जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हो रही है 9-10 तारीख को, वहां पे अगर जीएसटी की दर कम हो जाती है तो इनके नतीजे अपने आप ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे। तो आज आप 620 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें। दूसरी एक और कंपनी जिसमें कल बहुत बड़े अपने कट्स देखे थे लुपिन के स्टॉक में, उसको आप पिक कर सकते हैं। आज देखिए इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। कंपनी की ओर से जो सफाई आई है वो अपने आप में काफी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है स्टॉक को। उनका ये कहना है कि जो दिक्कतें कल आई थी, जो वार्निंग लेटर जारी हुआ, उसमें डेटा इंटीग्रिटी की कोई दिक्कतें नहीं है। ये बहुत बड़ा सपोर्टिंग पॉइंट है। लुपिन में खरीदारी करें, 900 रुपए का टारगेट पर। ठीक है, सभी शेयर यहाँ पे धीरे धीरे आपके सामने आ रहे हैं और अब आप और शेयर भी नोट करते चले। अब मेरी तरफ से एक और शेयर जो 50 रुपए के अंदर आएगा वह है मॉर्फमैन लैब। आप इस पे ध्यान रखें, ये इस 50 रुपए से आपको मिल जाएगा इस नोट से। आप इसमें ध्यान रखें क्योंकि सेहत से जुड़े हुए उत्पाद बनाती है कंपनी और स्मोग आपको पता ही है देश में चल ही रही है, तो इसका फायदा मिल सकता है आपको। 21 रुपए का टारगेट रखें इस शेयर में, आप रखें, लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन रहा है। एक और शेयर है इंडोरामा सिंथेटिक, ये कंपनी भी 50 रुपए से यानी कि इस नोट से आपको कम में मिल जाएगी। शेयर के अंदर 42% की कैश डिलीवरी है और इसके अंदर एक अच्छी बात यह है कि सरकार चुनाव से पहले एक्सपोर्टर्स को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। एक्सपोर्ट करती है, करीब 8 से ज्यादा देशों का एक्सपोर्ट करती है इंडोरामा सिंथेटिक, तो इसका बड़ा बेनिफिट इसको मिलेगा। 37 का टारगेट है, 32 रुपए का एक स्टॉप लॉस है। और लास्ट में एक शेयर हमने 52 शेयर 12 हफ्ते में भी आपको बताया था, वो था अलेम्बिक लिमिटेड, ये भी 50 रुपए से कम का शेयर है, यानी कि इस नोट में आपको ये शेयर भी मिल जाएगा। और इस अलेम्बिक लिमिटेड एक रियल एस्टेट की कंपनी है, तस्वीर बदल रही है। अलेम्बिक फार्मा में इसकी करीब 25% ज्यादा की हिस्सेदारी है जो इसको अच्छा बेनिफिट दे रही है। ये 48 रुपए का टारगेट रख के आप इसमें भी खरीदारी करें, 38 का स्टॉप लॉस होगा। तो मेरी तरफ से 50 रुपए वाले शेयर पूरे हो चुके हैं, अब 200 के शेयर। एब्सोल्युटली, तो 200 रुपए में आने वाले तीन और शेयर आप फटाफट नोट कर लीजिए। पहला शेयर शिवम ऑटो का रहेगा। एक बार पहले भी मैं ये शेयर दे चुकी हूँ क्योंकि लगातार इसमें मोमेंटम है। ऑटो एंसरी शेयर को जो मोमेंटम जारी है वो आपको यहाँ पर रिटर्न अच्छा दिला सकता है। 100 के टारगेट के लिए आप अप्रोच कीजिए, 92 का एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। ईयर एंड में लगातार हम देख रहे हैं टू व्हीलर से इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है उसका फायदा मिलेगा इसे। नेक्स्ट शेयर योबा स्पिरिट्स का रहेगा। जिस तरीके से अभी डिंपी ने भी बताया सर्दियां आ रही हैं और कंजम्पशन यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी, ये शेयर आपको अच्छा रिटर्न दिला सकता है। ऑलरेडी अगर आप देखें तो 6% तक का मूव देखने को मिला है। 100 के आसपास जब ये था मैंने इसे आइडेंटिफाई किया था, ये आज के सेशन में 110 तक की चाल दिखा सकता है। आपको 100 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए और इसे अपने रडार पर रखिए, ये एक अच्छा शेयर आपके लिए हो सकता है। चलिए आज का जो मेरा आखिरी शेयर है वो भी फटाफट से आप नोट कर लीजिए। जो मेरा शेयर है वो है प्राज इंडस्ट्रीज का। यहां पर भी आज अच्छा खासा मोमेंटम है, इथेनॉल कीमतें बढ़ने से काफी फायदा होने वाला है। 4.25% तक का आपको यहां पर देखने को मिला है और जोरदार इस हफ्ते में खरीदारी देखने को मिल रही है। टारगेट आप नोट कीजिए 87 का, 80.50 का एक स्टॉप लॉस आप लगाकर चलिए। ठीक है, 200 के शेयर पे पूरे हुए, 500 की बारी, तीन शेयर और जानिए 500 रुपए से। मैं ऐसे दो शेयर लेके आई जो 500 रुपए से कम के हैं और इनका ये ट्रिगर है कि जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग आ रही है वहाँ जीएसटी की दरें कम हो सकती है और बेनिफिट मिल सकता है। पहला है एपेक्स फ्रोजन, ये वैसे ही बहुत अच्छा कर चुका है, रीसेंट लिस्टिंग है और ये 52 वीक हाइस के करीब है। यहाँ आप टारगेट 485 का रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है ग्रीन प्लाई, ये पिछले हफ्ते भी हमने इसके बारे में बात की थी। यहाँ आप टारगेट 338 का रख सकते हैं। टैक्स रेट अगर कम होता है जीएसटी का तो ये बेनिफिट करेगा। जो मेरा पांचवा राखी शेयर है वो है उज्जीवन फाइनेंस का। 1 साल हो गए हैं नोटबंदी को और हम ये इस कंपनी में देख रहे हैं कि जो माइक्रो फाइनेंस उनका बिजनेस है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, तो जो प्रॉब्लम्स पहले देखी जा रही थी डीमोनेटाइजेशन की वजह से वो कम होती जा रही है। आप टारगेट 388 का रख सकते हैं। ठीक है, ये शेयर से आपके कंप्लीट हुए 500 रुपए वाली कैटेगरी की। अब सबसे बड़ी कैटेगरी 2000 वाली कैटेगरी। चलिए बड़े बड़े शेयर आपको बताता हूँ। बॉम्बे वर्मा, इस पे आप नजर रखिए, वाडिया ग्रुप बड़ा ग्रुप है, उसके शेयर की होल्डिंग कंपनी है ये और वो शेयर अच्छे चल रहे हैं तो स्वाभाविक की बात है उसका जो इम्पैक्ट है इस स्टॉक में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप 1650 रुपए का टारगेट प्राइस लेके चल सकते हैं। एक और कंपनी जिसका शेयर और चाहे तो इसका पिज्जा भी आप ले सकते हैं, पिज्जा भी खाइए और साथ साथ शेयर भी खरीदिए, वो है जुबिलेंट फूडवर्स का। नंबर काफी अच्छे थे, दोगुना मुनाफा बढ़ा था और 2 तिमाही से लगातार इनकी जो XXX ग्रोथ है वो काफी पॉजिटिव है। पिज्जा खाइए, शेयर खरीदिए, 1650 रुपए का दाम आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। और आखिर में सेहत का भी ध्यान रखिए, सन फार्मा है, इनकी दवाओं का जो चलन है जीएसटी के बाद काफी अच्छा देखने को मिला है, सारी दिक्कतें शायद दूर हो चुकी हैं, टैरो के नंबर भी अच्छे हैं जो इनकी सब्सिडरी है, इसमें खरीदारी कीजिए। आज के लिए 555 रुपए का टारगेट प्राइस है, शायद आपको 4 शेयर इसमें मिल जाएंगे आपको 2000। ठीक है, 4 शेयर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सभी नए नोट आपको दिखे और इस नए नोटों के साथ आपने दर्शन भी किए अच्छे शेयर्स के भी। उम्मीद करते हैं कि ये सभी के सभी शेयर्स आपको अच्छा फायदा आज नोटबंदी के इस पहली सालगिरह पे आपको जरूर देंगे।